हमारे साथ बैकअप क्लास के एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। जी, गोमती प्रसाद अग्रहारी। गोमती, कहाँ से हो आप? सर, मैं गोरखपुर से हूँ। इसके पहले अभी आप बैकअप के लिए आए हो, है ना? आप एक्स स्टूडेंट हो, भूतपूर्व स्टूडेंट जिसको बोल सकते हैं हिंदी में, और अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो एक्स स्टूडेंट हो आप। कौन से ईयर में और कौन से मंथ में आपने ज्वाइन किया था एसेंबली को? 28 जनवरी 2019 में। 28 जनवरी 2019, तो 19 था, 19 सॉरी 20। कितना समय हो गया अभी? अभी तो सर 2 साल पूरा हो चुका है। 2 साल के समथिंग हो चुका है। जी जी, है ना जी। तो 2 साल के समथिंग, इसके आने के पहले क्या पोजीशन थी गोमती हमारी, और जब आपने एशिया टेलीकॉम ज्वाइन नहीं किया था उसके पहले क्या पोजीशन थी, उसके बाद क्या पोजीशन है आपकी, बताइए आप दोनों में क्या फर्क है? जब हम यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आए थे तब भी पोजीशन यहाँ पर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, अपने शब्दों में नहीं बता सकता। वर्तमान में मतलब, और आज के टाइम पे फर्स्ट टाइम आपने जब एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया जी जी। उसके पहले क्या पोजीशन थी, उसके लेने के बाद क्या पोजीशन शूट की या सर मेरी? सर आपकी। मेरी पोजीशन तो सर बिल्कुल जीरो था। आप जीरो पे थे जी जी। 2020 की जनवरी में आपने ज्वाइन किया था जी, और 2020 के लेने के बाद जब आपने 2020 उसके बाद सर मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो एक्सपीरियंस जनता देखना चाहती है। मैं जब यहां से निकला ना तो सीखने के बाद यहां तो मुझे बहुत कुछ मिल गया, और मैं सोच लिया था तभी से मुझे लोगों को टीचिंग करना है, और मैं शायद इसका काबिलियत नहीं रखता था। लेकिन यहां आने के बाद बहुत प्रैक्टिस हुआ, बहुत प्रैक्टिस हुआ, रात में भी पढ़ाई, दिन में भी पढ़ाई। जब मैं गाँव पर गया तो मेरे पास बजट नहीं था मैं कुछ कर सकूँ। अच्छा। फिर शुरू किया एक छोटा सा सेटअप, सेटअप लेने के बाद मैंने लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। और यहाँ के आशीर्वाद से, मतलब यहाँ के टीचर जो हैं उनके आशीर्वाद से और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं लगभग 12 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ अभी, और दोबारा मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ बस इसके वजह से कि कुछ जो नया अपडेट मिला हो सर को वो मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि यहाँ 24 घंटे में समथिंग 20 से 22 घंटा सर अपने आप को खुद टाइम देते हैं रिसर्च करने में, तो वो रिसर्च को पूरा करने के लिए अभी हम तो एक बैग सीख नहीं सकते, इस वजह से सर के पास आए अपडेट के लिए। और सर ने तो MMC को इतना सरल कर दिया, जो मैंने अभी 2 साल पहले पढ़ा था आज तो लगता है कि 2 साल के पहले की पढ़ाई और आज की, वो सर ने इतना छोटा सा ट्रिक दिया कि जो होती है आप जब भी उससे मिलोगे तो आपको अपडेट मिलेगी, डाउनग्रेड नहीं मिलेगी, उस पोजीशन पे नहीं मिलेगी कि 2021 के जुलाई में जिस पायदान पे बैठी है उस पायदान से आपको ऑलवेज ऊपर मिलेगी। जी जी, है ना? हाँ सर, क्योंकि हमारी रिसर्च एंड डेवलप R&D हमारी बिल्कुल चालू रहती है, हमारी R&D डे बाय डे चालू रहती है। जब हम डे बाय डे अगर हम नॉलेज अगर एक्सेप्ट करेंगे तो वो नॉलेज हम डिलीवर करते हैं हमारे स्टूडेंट को, हम हमारा पूरा का पूरा खाली करके रखते हैं जी। अभी सर मुझे अपडेट में अभी मिलन सर ने बताया, शायद अभी ना तो मैंने कभी यूट्यूब में देखा या ना ही किसी टीचर के द्वारा देखा, ये ड्यूल डेकर का फोन है, और एक्चुअली मैं गलती से हुआ, जैसे भी हुआ ये इसका जो अंडे का ट्रे टाइप होता है, जो ड्यूल डेकर डबल है, एक प्लेन है, पॉपअप है, इसकी पॉपअप की जो लेयर है वो टूट चुकी है। फिर मैं निराश बैठा था, सर ने बोला नहीं इसको रिपेयर किया जा सकता है। मैं सोचा ये कैसे हो सकता है, क्या होगा, और वास्तव में इसको रिपेयर किया जा सकता है, सर कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कैसे आसानी से करना है इसको। तो अगर ये सब सीखना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँगा सर, मैं बहुत पहले 2-4 वीडियो देखा हूँ, कुछ बंदर बोलूँ या कुछ बोलूँ उन लोगों को, जैसा भी है उनको अच्छा लगे बुरा लगे, उन्होंने बहुत ही गलत किया है, वो तो अपना ज़िंदगी तो ख़राब कर ही दिया, लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ आना चाहता था उसको थोड़ा मिसबिहेव कर दिया कि हमें क्या करना चाहिए। मैं ऐसे बंदरों को बोलूँगा, अगर आपको नेगेटिव थॉट लेके ही यहाँ आना था तो मत आओ। मेरे हिसाब से सर मेरा जो थॉट है वो ये सोच रहा था कि इतने सारे टीचर्स हैं, आप लोग इतने अपडेट हैं और इतना वीडियो अच्छा करते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी क्या है व्यू है। अब मैं सर जिस लेवल पे हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ लोगों को, मेरा इतना व्यू नहीं है, मेरा खुद का चैनल है, लेकिन वो बंदर क्या एक दिन में क्या करते हैं, एक बड़े इंस्टीट्यूट का नाम लेते हैं, उछाल देते हैं, फ्रॉड है, ये है, वो है, तो क्या होता है उनका व्यू आ जाता है और उनका वॉच टाइम बढ़ जाता है, इस तरह से वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो ऐसे हाईलाइट होने से क्या मतलब जब दूसरे को नीचे दिखाना है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना तो करो, आपने जो पॉजिटिव थिंकिंग लेके गया उस पर काम करते तो शायद आपका मुकाम कुछ और होता। गोमती, जब आप आए थे, आप 2 जनवरी 2020 में आए थे, जब ड्यूल CPU रनिंग में था क्या, जैसे सैमसंग के A50 वगैरह में था? नहीं नहीं सर, इस लेवल पे था? इस लेवल पे नहीं था। आज मार्केट में हर चौथे मोबाइल में ड्यूल CPU आ रहा, तो ड्यूल CPU के आप अपडेट होने के, ड्यूल CPU के लिए भी आए, आपने MMC की प्रोग्राम में भी करी जहाँ पे आप MMC में फंस रहे थे, आपको हार्डवेयर में भी इशू थे, थोड़े से इशू थे, और आप खुद टीचर है, तो एक टीचर और टीचर होने मतलब आपने इस लेवल का नॉलेज लिया कि आज आप खुद टीचिंग कर रहे हैं,
तो कोई किसी प्रकार की कंजूसी करते हैं क्या हमें आपके? और ये देखो दो आपको ड्यूल डेकर सीपीयू भी करवाया, तो कोई आपने इसका एडिशनल कोई चार्ज पे किया है? नहीं नहीं कोई चार्ज मैंने पे नहीं किया सर, उल्टा आपने खुद वोट दिया है कि अगर आप लोग नहीं लाएं तो हमसे ले सकते हैं, अगर कोई और इंस्टीट्यूट होता तो शायद उसका चार्ज करता उसका, चूँकि वो उनका खुद नुकसान होता, तो ऐसे में आपने दिया तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया आपका। ठीक है जी, और क्या कहना चाहेंगे आप एशिया टेलीकॉम के लिए, और एशिया टेलीकॉम की एक खासियत बताइए कि क्या खासियत है एशिया टेलीकॉम में? एशिया टेलीकॉम का सर एक खासियत क्या, हज़ारों खासियत हैं जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, अब खासियत में फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ। अगर आप एकदम बिल्कुल फ्रेशर हैं तो किसी और इंस्टीट्यूट में मत जाइएगा, चूँकि आपका पैसा बर्बाद होना है। अगर आप एशिया टेलीकॉम में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटे से फॉल्ट को लेके बड़े से फॉल्ट तक ले जाया जाएगा, लेकिन अन इंस्टीट्यूट में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको आईसी बनाना सिखा देंगे, ठीक है, कुछ स्केमेटिक बता देंगे, आजकल का स्केमेटिक पे लूट है, स्केमेटिक से कुछ नहीं होता है दोस्त, आपको सबसे पहले मोबाइल के बोर्ड को पहचानना आना चाहिए, हर चीज़ें स्केमेटिक पे नहीं होती है, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन भी मिलता है। अगर आप बोर्ड हमेशा स्केमेटिक पे ही लेके ढूंढोगे तो एक दिन में आप चार फोन भी नहीं बना सकते, यहाँ तक कि एक फॉल्ट भी क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन के साथ साथ स्केमेटिक आना जरूरी है, जो कि यहाँ पे मिलता है। क्या अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट आता है उनको कहा जाता है कि आप एक यूएफआई भी साथ में लेके आएँ और साथ में एक लैपटॉप लेके आएँ और लैपटॉप में वो कोई सा भी जो स्केमेटिक टूल होता है उसको डाउनलोड करें, तो इससे फ़ायदे हैं कि नुकसान है ये बताएं? सर इससे बहुत फ़ायदा है, इसमें मैं अगर कहूँ तो आप बहुत अच्छा करते हो, चूँकि वही बंदा आएगा यहाँ पर सीखने जो जन्मिन होगा, अगर आप उसको बोल रहे हैं तो, चूँकि अगर मैं वैसे ही चलाऊँ, मैं जब सीखा था तो मेरे पास ये सब था नहीं, तो मैं बोला कहीं ना कहीं, फिर मुझे उसको रिविज़न करना पड़ा, फिर कॉल करना पड़ा, सर के द्वारा सपोर्ट मिला, तब जाके मैं कहीं पहुँचा वहाँ पर, और आज आप खुद बुला के करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ सर उसको तो आप 100% पक्का करके भेज रहे हैं अपने हिसाब से। मुझे तो मेरी फीस से मतलब होना चाहिए, मुझे क्या मतलब कि आप टूल खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, क्या आप लोग हैं कि नहीं लोग हैं, पर बाकी अगर एशिया टेलीकॉम अगर ये चाह रहा है कि कोई भी अगर स्टूडेंट आता है अगर 30 दिन पढ़ता है तो हमने हर मामले में कंप्लीट होकर जाना चाहिए यहाँ पर जी। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि अगर सर आपको बोलते हैं कि आप टूल्स लेके आओ तो इसमें आपका फायदा है। टूल्स में भी क्या बुलाते हैं हम, तीन चीज बुलाते हैं, आप सॉफ्टवेयर करना है आपको लैपटॉप में, लैपटॉप लाना उसके लिए जरूरी है, स्केमेटिक पढ़ना है आपको लैपटॉप जरूरी है, मोबाइल में तो स्केमेटिक नहीं पढ़ सकते ना, नहीं नहीं है ना, और उसके बाद आप यूएफआई में प्रोग्रामिंग करेंगे उसके लिए भी लैपटॉप जरूरी है जी। तो बिना लैपटॉप के हम मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में काम कर सकते हैं क्या? नहीं, बिना लैपटॉप या बिना डेस्कटॉप के हम कर सकते हैं? नहीं सर, इसलिए तो ये जरूरी है कि अगर आप पहले से एक्टिव रहेंगे तो आप जब भी काम करके सीख के यहाँ से जाएंगे ना तो टेबल पे बैठ के आप धमाल मचा सकते हैं, लेकिन अगर आप वो सोचेंगे मैं ट्रेनिंग ले लूँ फिर 6 महीने 7 महीने 2 महीने 3 महीने बाद लेंगे तो शायद ये हो सकता है आप उस पर रिविजन ना करें तो वो चीज़ें भूल जाएगी, फिर बाद में आप सर को ब्लेम करेंगे आप मुझे सिखाया नहीं। तो देखिए एक स्टूडेंट होता है सर किसी भी क्लास में अगर वो पढ़ाई करता है 50 स्टूडेंट के साथ में, उसमें क्या होता है सभी 50 तो सरकारी नौकरी नहीं पा जाते हैं, तो ऐसे में हम नहीं कह सकते हैं ना कि टीचर गलती किया, उसी में कोई आईएएस बन जाता है, कोई पीसीएस बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है, अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, कारण क्योंकि उसने वो प्रैक्टिस किया, उसने वो पढ़ाई किया, वो अपना कभी निगेटिव नहीं दिया, वो अगर 24 घंटे में समथिंग 18 से 20 घंटा काम किया तो आपको भी उतना करना पड़ेगा। घूमती बैकअप सपोर्ट जेनुइन है कि नहीं एशिया टेलीकॉम का ये बताओ, अगर हम बोलते हैं कि हम बैकअप सपोर्ट देंगे तो मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है सर, अगर मैं कहूँ तो अगर ये चीज़ मैं बैकअप लेने यहाँ आया हूँ, शायद अगर मैं किसी और इंस्टीट्यूट में जाता तो मुझे इस तरह से फिर से दोबारा नहीं बताया जाता, अगर बताया भी जाता तो 30-40 हज़ार 50 हज़ार जो भी है उनका वो तो लेते, तो वो तो मेरा सेफ बचा, और आप लोगों का प्यार तो इतना अच्छा है कि जरूरी नहीं है कि आप मैं जहाँ से पूछूँ ना बताएं, एकदम बिल्कुल बता रहे हैं, मेरे ना पूछने से पहले सर पहुँच जा रहे हैं कि तुमको ये नहीं आ रहा। अच्छा, और सर बता रहे जब आप साथ में आए थे, जब आप पहला दिन यहाँ पे क्लास में एंट्री की थी तो एंट्री करने में आपके मतलब जो बिहेवियर था यहाँ पे टीचरों का बिहेवियर था वो कैसा था आपके साथ, और आप उनके लिए क्या गिफ्ट लेके आए थे बताइए थोड़ी? मैं तो सर खुशी में, मैं तो अब गिफ्ट किया सर बस इतना मुंह मीठा कराना चाहता था कि सर आज आप लोगों की बदौलत, एशिया टेली की काम की बदौलत मैं एक मुकाम पे हूँ जहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपये हुआ करते थे, आज जेब में कम से कम 1000 रुपये तो पड़े ही हैं। आप 28 जनवरी के 2020 से आप पढ़ के गए, उसके बाद से लेके आज 2021 अगस्त तक
आपके कितने कन्वर्सेशन है बताइए आप मेरे को, मतलब क्या कभी आपको कभी अकेला छोड़ा है किसी भी मामले में? नहीं 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 सर, वो बात ईएमएमसी की हो, हार्डवेयर की हो, या सॉफ्टवेयर की है, या कोई भी कारण हो, कभी ये जीवन में आपको अकेला छोड़ा है क्या कभी? नहीं नहीं सर, हमेशा एशिया टेलीकॉम ग्रिप करके रखता है कि नहीं स्टूडेंट को, ये बताइए आप? एकदम सर, बिल्कुल आप ग्रिप करके रखते हो और अच्छे से आप समझाने की कोशिश करते हो, और ऐसा नहीं है कि आप हम यहाँ से पढ़ के जाए और आप 24 घंटा तो लगभग बिजी हो जब तक आप क्लास टाइम पे हो, मैं टाइम जान गया हूँ, तो उस टाइम पे अगर आपको कोई भी सलूशन लेना है, अगर कुछ फंस रहे हैं तो रात में कॉल करेंगे तो बेटर है। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। टाइम आज डेवलप कर सीपीयू कैसे रिवॉल्व करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल टकर क्या, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाया, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? करो डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, Dr. Thank you.